अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इमरान आरिफ टेक चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा, जो कि अल्टरनेटिव है IDM का, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का अल्टरनेटिव है और बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मेरे ख्याल में IDM से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसका नाम है ABW मैनेजर। जैसे ही आप गूगल पर जाके, गूगल क्रोम पर जाके लिखेंगे ABW मैनेजर, तो आपके पास जो सबसे पहला वाला लिंक आएगा, आपने उस पर क्लिक करना है और आपने इसमें जाके अपना ऐप को गेट कर लेना है। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा ये इंटरफेस दिखा रहे हैं कि इस तरह से इसकी जो ये ऐप है, सॉफ्टवेयर, इस तरह से होगा। इसके बाद इसके नीचे फीचर्स हैं, सिंपल और मॉडर्न UI, डाउनलोड फास्टर, स्पीड लिमिटर और सारा कुछ जो है इसमें इन्होंने मैंशन किया हुआ है। तो यहाँ से हम इसको जो है वो ऐप को कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको गेट ऐप पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो ब्राउज़र की एक्सटेंशन दे रहा है, एक पे दे रहा है फायरफॉक्स के लिए और एक गूगल क्रोम के लिए। तो आप जो यूज़ करते हैं, अगर आप फायरफॉक्स यूज़ करते हैं तो आप उसमें अपने एक्सटेंशन ऐड कर लें, अगर आप गूगल क्रोम करते हैं तो उसमें अपने आप एक्सटेंशन ऐड कर लें इसकी। उसके बाद ये साइड पर जो है ये इसने दिया है विंडोज़ और लिनक्स। अगर तो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो है विंडोज़ ही लोग यूज़ करते हैं, तो विंडोज़ के लिए विंडोज़ पे क्लिक करके नीचे जो है इसका डाउनलोड मेथड है, exe फाइल है और zip फाइल है। तो मैंने यहाँ से जो है इसकी exe फाइल की है, सेटअप जो फाइल की है, अभी ये डाउनलोड हो रहा है हमारे पास इसका सेटअप exe फाइल। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो हम इसको जो है यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। और ये जैसे ही डाउनलोड हो गया है तो हमारे पास इसका सेटअप आ चुका है। अब मैं इसको यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है, कुछ ही सेकेंड्स में इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, ये भी इंस्टॉल हो चुका है। तो हम इसको यहाँ नेक्स्ट करेंगे और इसको फिनिश करेंगे और ये हमारा जो है डाउनलोड मैनेजर ओपन हो गया। तो इसके जो यहाँ से फीचर्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। ये यहाँ पे इसके टूल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपना, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं। यहाँ से इसके थीम है, डार्क थीम है और लाइट थीम है। लाइट थीम में जो है वाइट कलर का आ जाएगा, डार्क में जो है वो ब्लैक आ जाएगा। उसके अलावा पेरेंट्स के नीचे इसकी है, डाउनलोड इंजन है, ब्राउज़र इंटीग्रेशन है और ये इसका स्टार्ट ऑन बूट है। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो जैसे ही आप विंडो ऑन करेंगे तो ये भी साथ ही ऑन हो जाएगा। ये एक कम्पैक्ट टॉप बार है, इसके ऊपर जो है अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ऊपर एक आपकी बार आ जाएगी। इसका जो नोटिफिकेशन साउंड है, अगर इस पर कोई नोटिफिकेशन साउंड आता है, अगर इस पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो अगर आपने इसको ऑन किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन साउंड भी आएगा। तो ये इसकी बाकी ऑप्शंस हैं डाउनलोड इंजन में, अगर आप कोई प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं या जो आपकी एवरेज स्पीड वगैरह जो नेट की वो बताएगा। इस तरह से इसकी ये बाकी ऑप्शंस हैं, इसकी ये ब्राउज़र इंटीग्रेशन है और ये इसकी ये सेटिंग्स हैं। तो ये टूल्स हैं, इसकी ये सेटिंग्स थी। उसके बाद ऑल में जाके आपको मैं दिखाता हूँ ये कंप्रेस्ड प्रोग्राम्स, वीडियोस, जैसे आप जो फाइल करेंगे, जिस तरह आपने म्यूज़िक की कोई फाइल की है तो आपके यहाँ पे इसमें म्यूज़िक में सेव करेगा। पिक्चर को डाउनलोड किया तो यहाँ पे पिक्चर में आएगी, कोई प्रोग्राम्स वगैरह हैं तो वो उसमें आ जाएंगे। तो अभी हम दोबारा गूगल पे आ चुके हैं और गूगल पे आके मैं आपको इसकी जो है यहाँ पे कोई फाइल जो है, जैसे विंडोज़ 11 की फ़ाइल है, वो मैं आपको इस सॉफ्टवेयर से, डाउनलोड मैनेजर से डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इसमें इसकी जो इंटरनेट की आपकी जो जितनी भी स्पीड होती है, अगर आपका 10 MB का है इंटरनेट तो आपकी जो जितनी भी स्पीड है वो इसमें प्रॉपर स्पीड आएगी और अच्छी स्पीड आती है। तो यहाँ से मैंने एक विंडोज़ 11 का जो है वो ISO फाइल जो है डाउनलोड करूँगा। तो आप यहाँ से चेक कीजिएगा कि कितनी अच्छी इसकी स्पीड आती है और कितना ज़बरदस्त ये सॉफ्टवेयर है। तो हमने यहाँ से इसकी फाइल को जो है ISO फाइल को डाउनलोड पर लगा देना है और ये 64-bit में हम कर लेते हैं इसको डाउनलोड। ये देखें, जैसे मैंने इसको डाउनलोड पर क्लिक किया है तो ये हमारा AB डाउनलोड मैनेजर, क्योंकि मैंने इसमें अपना एक्सटेंशन में ऐड किया हुआ है तो ये इसलिए हमें इस तरह से आ गया। अब ये डाउनलोड लोकेशन पूछ रहा है, हम जहाँ पे भी इसको डाउनलोड करना चाहते हैं वहाँ पे इसको हम डाउनलोड इसकी लोकेशन देंगे और डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हमारे सामने इसका ये इंटरफेस आ जाएगा। उसके अलावा इसमें भी हमारे पास इसमें सेटिंग्स हैं और इसके अलावा इसकी इन्फो है, जो हमने जो फाइल की है अभी डाउनलोडिंग पे लगाई है उसकी ये जो है इन्फो आ रही है। एक टाइम में हम अगर ज़्यादा फाइल्स लगाना चाहते हैं डाउनलोडिंग पे, वो तो वो भी लगा सकते हैं। अगर आप फाइल को चलते चलते अगर आप कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपकी वो फाइल वहीं से डाउनलोड होने लग जाएगी। उसके अलावा ये एक मैंने जो है NVIDIA के ड्राइवर की वेबसाइट खोली है,
तो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से डाउनलोड। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल इमरान आरिफ टेक।